ભગવાનનો અભિષેક પૂરો થયો, ભગવાનનું નામકરણ થયું, ધીરે ધીરે પ્રભુ મોટા થઈ રહ્યા. પ્રભુનું નામકરણ થયું, પ્રભુ મોટા થયા. પ્રભુ રમતા 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 ક્યારે મોટા થયા ખબર ના. ઉંમર લાયક થયેલા દીકરાને જોઈને હંમેશા માને શું વિચાર આવે, જલ્દી લગ્ન કરાવું. લેકિન આજકાલ કી મમ્મી કો વો ભી ટેન્શન નહીં, વો હી કહે દેતા હૈ માં વો ફિકર મત કર મેં સબ કર લુંગા. और मैंने तो यहां तक सुना है कि आज की मम्मी खुद लड़की को या लड़के को पूछ लेती है, बेटा तेरा कुछ चलता है तो बोल देना, एक बार हम देख ले, हमको भी लगे अच्छा हम करवा देंगे. कितनी छूट मैंने सुना है, सुना नहीं है, मैंने मेरी नजरों से देखा है. मैं जब छोटा था, मेरी सबसे बड़ी बहन की जब शादी हुई, शादी के बाद दो महीने के बाद मैं और मेरी मां ससुराल गए, बहन के ससुराल. अचानक बहन ने मां से कहा, बड़ा घर था, बाजू ना रूम में आवो ना, मारे बात करनी छे. पास वाले रूम में गए, मैं भी साथ में चला गया. मां को यूं कि ये छोटा है, उसको कुछ पता नहीं चलेगा. 50 साल पुरानी बात ये मैं आज आपसे कर रहा हूं. जब मैं उस रूम के अंदर गया तब बहन रोने लगी, रोते रोते मां से कहने लगी कि मुझे यहां नहीं रहना है, तू मुझे घर ले जा. शादी के दो महीने हो चुके, घर ले जा. मैंने मेरे नजरों से देखा कि मां ने उससे कहा, आजे आवी आवी तारा घरे, हूं आवती काल थी क्यारे तारा घरे पग नहीं मुकू. ते जारे विदाय लीधी ते दिवसे मैं तने कीधु तू, आज थी आ तारू घर मटी जाय छे, तारू ससुराल ए तारू घर. आज थी अमे तारा मां बाप मटी जाइए छे, तारा सासु ने ससरा ए तारा मां बाप छे. आज थी तारो पति ए तारो परमेश्वर छे, खबरदार. હવે બીજી વાર ક્યારે તે તારા ઘરની કોઈ ફરિયાદ મારી પાસે કરીશ. વા જમાના થા, બેટી જબ વિદાય લેતી તો માં કહેતી, બાપ કહેતા, એસી એસી હિત શિક્ષા દેતા કે કભી કોઈ ઘર કે અંદર દો સુના દે તો સુન લેના. પર આજ આજ બોલો ના ક્યા, હા તુજે કોઈ દો સુના દે તો ચાર સુના દેના, હમ બેઠે હૈ. और जब आप ऐसा कहोगे तो वो डाइवोर्स लेके घर पे आने ही वाली है. हाँ अपना घर खुला है, खुला है तो आ जाएगी. रात को 12 बजे की तू मेरे घर पे यदि आएगी, मैं घर का दरवाजा नहीं खोलूंगा, नहीं खोलूंगी. क्यों नहीं कह सकते हो? बहुत ढीले पड़ गए, कुछ नहीं चलता. माँ वामा भी पार्श्व का रूप देख करके देखती है कि कई कौन सी बहू मेरे घर पे आएगी. रोज रोज कहती है कि बेटा शादी करनी है. और ये परमात्मा उदासीन भाव में, एक दिन की बात है, कहीं युद्ध के अंदर जाना था तो अश्वसेन राजा जब तैयार हो चुके, भगवान का आत्मा भगवान खड़े हो गए, नहीं पिताजी आपको नहीं जाने दूंगा, मैं घर पे हूं, आप युद्ध करने जाओ, नहीं चलेगा. देखो ये व्यवहार सुनो, बेटा जब मैच्योर्ड हो जाता है ना तब बाप को रिटायर कर देता है. विमल भाई कितनी उम्र थी? 66. वाह, क्रिकेट नी भाषा में बोले छे. कोहली तो 61, विमल भाई 66, ओनली विमल. गवर्नमेंट में 58 वर्षे रिटायर. विमल भाई आपने क्या रिटायर थवा, संखेश्वर में माला पेरी ने ए दिवसे डिक्लेर करवू छे, आज थी राजीनामू. अभी किसने राजीनामा दे दिया? उर्जित पटेल ने. कहां तक ऑफिस, कहां तक फैक्ट्री, सब मैच्योर्ड हो गए.
भगवान जवा भगवान उभा थई गया। नहीं पिताजी, आपको नहीं जाने दूंगा, मैं जाऊंगा। बाप मना करते, बेटा ये तेरी कंचन वरणी काया, ऐसी अद्भुत काया, नहीं तुझे नहीं जाने दूंगा। आखिर में पार्श्व कुमार का विजय हुआ, मैं ही जाऊंगा। बिठा दिया। मुझे लगता है कि ये हमारे पार्श्व कुमार सब है ना, वो कच्चे हैं।